हेलो एवरीवन कंटिन्यू करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स की रिवीजन को और लास्ट सेशंस के अंदर हमने प्रोफेशनल एथिक्स में अब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के जितने रेलिवेंट सेक्शंस हैं उनको कवरअप किया था देयर आफ्टर शेड्यूल वन हमने कवरअप कर लिया था तो इस सेशन का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेकंड शेड्यूल टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट 1949 सेकंड शेड्यूल के तीन पार्ट हैं पार्ट वन मिसकंडक्ट फॉर द मेंबर्स जनरली जिसके फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस सॉरी फॉर मेंबर्स इन प्रैक्टिस जिसके अंदर इन टोटल टेन क्लॉसेस है तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड शेड्यूल के पार्ट नंबर वन के साथ दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर अ मेंबर इन प्रैक्टिस क्लॉज वन डिस्कलोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक प्रैक्टाइजिंग सी ए गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही डिस्कलोजिज द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज प्रोफेशनल वर्क टू एनी पर्सन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और परमिटेड बाय क्लाइंट दो एक्सेप्शन है यदि लॉ की रिक्वायरमेंट है या क्लाइंट ने परमिट कर रखा है देन इट इज ओके अदरवाइज मिसकंडक्ट अ प्रैक्टाइजिंग सी इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डिस्कलोजेस द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ दिस प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन हिज क्लाइंट विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ क्लाइंट और अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाई एनी लॉ तो दो जगह पर तो अलाउड हो गया पहला वेन इट इज परमिटेड बाय क्लाइंट दूसरा वेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ क्लॉज टू सर्टिफिकेशन विदाउट एग्जामिनेशन यदि एक प्रैक्टाइजिंग सीए किसी कंपनी की किसी एंटिटी की फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट बनती है उसको अपने नेम से और इन द फर्म नेम सर्टिफाई करता है अनलेस दिस फिनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग एग्जामिड बाय हिम और बाय हिज पार्टनर और बाय अनदर प्रैक्टाइजिंग सीए देन मिसकंडक्ट अराइज होगा सर्टिफिकेशन और सबमिशन इन ऑन नेम और इन द फर्म नेम अ रिपोर्ट किस पर ऑन एन एग्जामिनेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट अनलेस द एग्जामिनेशन ऑफ सच स्टेटमेंट एंड द रिलेटेड रिकॉर्ड हैज बीन मेड इधर बाय हिम और बाय पार्टनर और बाय एम्प्लॉय और बाय प्रेक्टाइजिंग सी ए क्लॉज थ्री क्लॉज थ्री कहता है वेन अ प्रेक्टाइजिंग सीए परमिट करता है कि उसके नेम को यूज कर लिया जाए इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग दैट इज कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांसेक्शन इन ए मैनर जिससे ये लगे कि इसकी किशन की वाउचिंग कर पाना ही पॉसिबल नहीं है जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आप फ्यूचर की प्रोजेक्शन लगाते हैं बट उसको सर्टिफाई नहीं कर सकते बिकॉज उनकी वाउचिंग पॉसिबल नहीं है सो इन सच केसेस एस ए थ्री फोर डबल जीरो अप्लाई होता है और एक सी ए इनको एग्जामिन कर सकता है प्रोवाइडेड वो इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन को चेक करें व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड अ स्टेटमेंट दैट ही हैज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सो परमिटिंग द नेम और फर्म नेम To be used in connection with an estimate of earning that is contingent upon future transaction in a manner that leads to the belief that he vouches for the accuracy of the forecast will be a misconduct. SAE 3400. It allow a member to participate in the preparation of profit or financial forecast and review them, subject to the following information. सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन इंडिकेट किए जाए बेसिस ऑफ फोरकास्ट बताया जाए एजम्पन्स जो सिग्निफिकेंट एजम्शन यूज की गई हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस फोरकास्ट उन्हें बताया जाए एंड एक डिस्कलेमर दिया जाए दैट ही डज नॉट वाउच फॉर द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट तो ये था हमारा क्लॉज नंबर थ्री परमिटिंग द नेम इन कनेक्शन विद एन एस्टिमेट ऑफ अर्निंग कॉन्टीजेंट अपॉन फ्यूचर ट्रांसेक्शन clause number 4 it states when a practicing ca expresses his opinion on the financial statement of any business or enterprise in which he or his firm or a partner in his firm has a substantial interest that means any entity in which member or his firm or partner is having a substantial interest in such entity ओपिनियन ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेस इन रिलेशन टू दिस सेक्शन एक्ट प्रोहिबिट ए में अकाउंट ऑफ ए कंपनी इन वेरियस सिचुएशन वो तो वन फोर्टी वन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन का आ जाता है अम्बर कांट एक्सप्रेस द ओपिनियन इन द फॉलोइंग केसेस नंबर वन मेंबर हिमसेल्फ इज द ओनर और पार्टनर ऑफ कंसर्न बिजनेस वी आर द पार्टनर और रिलेटिव ऑफ सी एज दबस्टांशियल इंटरेस्ट इन दैट बिजनेस वे आर द मेंबर और पार्टनर और रिलेटिव इज द डायरेक्टर ऑफ दैट एंटिटी तो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए ऐसी एंटिटी की फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन शुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड मेंबर्स आर नॉट परमिटेड टू राइट द बुक्स ऑफ दियर ऑडिटिंग क्लाइंट बिकॉज यहां पर सेल्फ रिव्यू थ्रेट एराइज हो जाएगा आप उन्हीं स्टेटमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं जिनके अंडरलाइन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड आपने खुद बनाए हैं सो so, इस सेल्फ रिव्यू थ्रेट को अवॉइड करने के लिए जरूरी हो जाता है यदि आप ऑडिट कर रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट मत मेंटेन करिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो उनकी एग्जामिनेशन मत करिए स्टेटूटरी ऑडिटर कांट बी द इंटरनल ऑडिटर ऑफ द सेम एंटिटी इंटरनल ऑडिटर कैन नॉट बी द टैक्स ऑडिटर ऑफ द जी एस टी ऑडिटर ऑफ द सेम एंटिटी अम्बर यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेल नॉट एक्सेप्ट असाइनमेंट ऑफ ऑडिट ऑफ ए कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ टू ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इज कंप्लीशन एड ऑफिस टेन्योर एज द डायरेक्टर तो किसी भी कंपनी में यदि एक पर्सन डायरेक्टर है तो उस कंपनी से उसका डायरेक्टरशिप का टेन्योर खत्म होने के इयर्स तक उस कंपनी में ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए यह हो गया हमारा क्लॉज नंबर फोर तो हमने पहले अभी चार क्लॉज को डिस्कस किया है क्लॉज फाइव से क्विक अलग सीरीज स्टार्ट हो जाती है तो एक बार वेरी वेरी क्विक रिवीजन क्लॉज नंबर वन Disclosure of clients' confidential information acquired during the course of professional work to any person unless permitted by client or required by law. Number two, clause two certifying the report on examination of financial statement in own name or firm name unless the examination of this financial statement and related record is being carried out by that member himself or by his partner or by employee or by another ca in practice clause number 3 a practicing ca shall be guilty of professional misconduct if he allow use of his name or firm name in connection with the estimate of earnings that is contingent upon the future transaction how in a manner that lead to the belief that he vouched for the accuracy of the forecast however sae 3400 allow a practicing member to review such forecast provided basis of inform source of information basis of forecast significant assumption used in preparation of this forecast is given in this forecast and a declaration that no vouching for the accuracy of this forecast has been made नंबर फोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी इन विच प्रैक्टाइजिंग मेंबर और हिज पार्टनर और हिज फर्म इज अ सबस्टांशियल इंटरेस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्लॉज नंबर फाइव इफ अ प्रैक्टाइजिंग मेंबर फेल्स टू डिस्कलोज अ मेटीरियल फैक्ट दैट इज नोन टू हिम which is not disclosed in the financial statement but disclosure of which is necessary in making such financial statement not misleading with which he is aware he is concerned with the financial statement in a professional capacity so, when a practicing CA is associated with the financial statement of an entity, and in this financial statement, a significant fact has not been disclosed. Disclosure of which is required to make this financial statement not misleading. And this material fact is in the knowledge of the practicing CA, but he fails to disclose that material fact. Then this amount to the professional misconduct under clause 5, part 1 of second schedule. Now, move to clause number 6. If a practicing CA fails to report a material misstatement known to him to appear in a financial statement with which he is concerned in a professional capacity. So, if a practicing CA is associated with the financial statements of an entity. And in this financial statement, material misstatements are there. And these material misstatements are in the knowledge of the practicing CA, but he fails to report it. So, clause 5 and 6. Clause 5, baat karta hai fails to disclose. Clause 6, word use karta hai fails to report. Clause 5, it is in a relation to the material fact. Whereas, clause 6 is in a relation to material misstatement. Clause 5 material fact is not disclosed in the financial statement. Material misstatement is appearing in the financial statement. And in both cases, the concerned practicing CA have the knowledge of material fact under clause number 5, material misstatement under clause number 6. And in both these cases, टेड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रोफेशनल कपैसिटी सो फेलियर टू डिस्कलोज अटीरियल फैक्ट विच इज नॉट डिस्कलोज इन दाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लॉज फाइव कवर करेगा फेलियर टू फेल टू रिपोर्ट मेटीरियल मिस स्टेटमेंट दैट अपियर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये क्लॉज सिक्स कवर करेगा तो ये हो गए हमारे दो क्लॉज और फाइव प्लस सिक्स आगे बढ़ते हैं क्लॉज सेवन इफ अ मेंबर नॉट एक्सरसाइज द ड्यू डिलीजेंस और इज ग्रोसली नेग्लिजेंट इन द कंडक्ट ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटीज सो इफ अ मेंबर नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस और वाइल परफॉर्मिंग द प्रोफेशनल ड्यूटीज ही इज ग्रोसली नेग्लिजेंट देन ही विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्लॉज नंबर एट If a practicing member fails to obtain sufficient information that is necessary for expression of opinion, that means expressing opinion without collecting sufficient and appropriate audit evidences or its exception, that means audit evidences are available, they are sufficiently material to negate the expression of opinion, that means when, are, when you are having

एविडेंस है और ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं दोनों ही केस में मिसकंडक्ट कंसिडर किया जाएगा क्लोज नंबर नाइन फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू एनी मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम द जनरली एक्सेप्टेड प्रोसीजर्स ऑफ ऑडिट एप्लीकेबल टू द सर्कमस्टांसिस इफ इन एनी सर्कमस्टांसिस ऑडिटर is not able to apply the generally accepted audit procedure and in that circumstances he apply alternate audit procedure in such cases practicing ca is required to invite the attention of the user that he performed alternate procedures he deviates from the generally accepted audit procedure but he fails to invite attention of the users as to this deviation clause number 9 may guilty clause 10 फेलियर टू कीप द क्लाइंट्स मनी इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट और क्लाइंट्स मनी कौन सी अदर देन फीस और रेमूनरेशन और मनी मेंट टू बी एक्सपेंडिड तो जो मनी आपकी फीस नहीं है जो मनी आपके अभी इमीडिएट खर्चे में यूज होनी है जो मनी आपका रेमुनरेशन नहीं है तो आप उस मनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखिए और जिस परपजस के लिए क्लाइंट ने ये अमाउंट आपको प्रोवाइड किया है दैट अमाउंट नीड टू बी यूटिलाइज ओनली फॉर द पर्पस स्पेसिफाइड बाय द क्लाइंट सो इफ अ प्रेक्टाइजिंग सीए फेल्स टू कीप द क्लाइंट्स मनी इन सेपरेट बैंक अकाउंट or to use such money for the purposes for which they are intended within a reasonable time then it amounts to professional misconduct under clause number 10 in connection with the compliance of clause 10 council has considered some practical difficulties and following suggestions are made to remove these difficulties number 1 an advance received by a chartered accountant against the services to be rendered जो सर्विसेज उसको देनी है उसके अगेंस्ट कोई एडवांस रिसीव हुआ है देन इट विल नॉट फॉल अंडर दिस क्लॉज नंबर टेन एनी मनी रिसीव्ड फॉर द एक्सपेंसिस टू बी इनकर्ड विच इज इंटेंट टू बी स्पेंट विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम तो जो पैसा खर्च किया जाना है विद इन अ रीजनेबल शॉर्ट टाइम नो नीड टू डिपोजिट दैट अमाउंट इन सेपरेट बैंक अकाउंट एंड वॉट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन रीजनेबली शॉर्ट टाइम

इन इज कैपेसिटी एज द ट्रस्टी एग्जीक्यूटर लिक्विडेटर एक्सेट्रा ये पैसा आपका नहीं है यू रिसीव दैट मनी एज एग्जीक्यूटर ट्रस्टी एडमिनिस्ट्रेटर डिपॉजिट इमीडिएटली इन टू द सेपरेट बैंक अकाउंट सो ये थे हमारे क्लॉज वन टू टेन कवर्ड अंडर पार्ट वन ऑफ सेकेंड शेड्यूल क्लॉज वन जल्दी से आई थिंक शायद गिनती के हमें तीन मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए मैं देख रहा हूं तीन मिनट लगते हैं या ज्यादा लगते हैं क्लास वन डिस्कलोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क अनलेस परमिटेड बाय क्लाइंट और रिक्वायर्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन सर्टिफाइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर एग्जामिनेशन की रिपोर्ट इन हिज नेम और फर्म नेम अनलेस एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड रिकॉर्ड इज कैरिड आउट बाय हिम और बाय पार्टनर और बाय एम्प्लॉय और बाय अनादर सीए इन प्रैक्टिस क्लॉज थ्री अ प्रैक्टाइजिंग सीए ए शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही सर्टिफाई और अलाउ हिज नेम और फर्म नेम to be used in connection with an estimate of earnings that is contingent upon future transaction in a manner that lead to the belief that he vouched the accuracy of such forecast it amounts to professional misconduct clause 4 a practicing ca shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he express opinion on the financial statement of an entity in which he or his firm or his partner is having the substantial interest clause 5 a practicing ca shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to disclose a material fact known to him that does not appear in the financial statement when disclosure of which is necessary to make the financial statement not misleading and Chartered accountant is associated with the financial statement in a professional capacity. Clause six: Failure to disclose a material misstatement known to him that appears in the financial statement when concerned member is associated with the financial statement in a professional capacity. Clause seven: Failure to exercise due diligence or grossly negligent in performance of professional work. Clause number eight a practicing ca shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he fails to obtain sufficient information sufficient and appropriate information or evidences that is necessary to express an opinion or its exceptions are sufficiently are so sufficient so as to negate the expression of opinion clause 8 a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if फेल्स टू इनवाइट अटेंशन ऑफ यूजर एज टू एनी मेटीरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेडिट प्रिंसिपल इन दर्कमस्ट क्लॉज टेनियस टू डिपोजिट द्लाइंट मनी मैं सेपरेट बैंक अकाउंट और यूज फॉर द पर्पस अदर दैन दो क्लाइंट तो यह टेन क्लॉज है टोटल तीन मिनट शायद पूरे नहीं लगे आगे बढ़ते हैं पार्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली शेड्यूल वन का पार्ट टू मेंबर्स इन सर्विस के लिए था बट सेकेंड शेड्यूल में मेंबर इन सर्विस के लिए अलग से कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं है पार्ट नंबर वन फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इन केस ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस पार्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली तो अम्बर ऑफ द इंस्टीट्यूट वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट shall be deemed to be guilty of professional misconduct clause 1 if he contravenes any of the provisions of this act or the regulations made there under or any guidelines issued by the council clause 2 in case of a member who is working as an employee in any company firm or person if it discloses the confidential information acquired in the course of employment unless permitted by the employer or required by law and regulation though part 2 it is for members generally but is clause 2 specifically in apply in case of members in service clause 3 a member shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he include in any information statement return or for टू बी सबमिटेड टू इट्स काउंसिल इट्स कमेटी डिसिप्लिन डायरेक्टर डिसिप्लिनरी कमेटी बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्वालिटी रिव्यू बोर्ड अपीलेट एनी इंफॉर्मेशन नोइंग इट टू बी फॉल्स पता है गलत जानकारी दे रहा हूं क्लॉज फोर डिफेलकेट और एम्बेस द मनी रिसीव्ड इन द प्रोफेशनल कपेसिटी तो सेकेंड शेड्यूल के पार्ट नंबर टू में चार क्लॉज आ जाते हैं यदि एक्ट के प्रोविजंस की या रेगुलेशंस की या गाइडलाइंस की कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है बीइंग एन एम्प्लॉय क्लाइंट एम्प्लॉयर की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती है अनलेस परमिटेड बाय द एम्प्लॉयर और व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ इंस्टीट्यूट को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हो कोई स्टेटमेंट दे रहे हो कोई रिटर्न में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो इंस्टीट्यूट को काउंसिल को कमेटी को डिसिप्लिनरी अथॉरिटीज को और उसमें आप गलत जानकारी दे रहे हैं या डिफेलकेट और एम्बेजल द मनी रिसीव्ड इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी पार्ट थ्री अदर मिसकंडक्ट जनरली क्लॉज वन अ मेंबर वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट शेल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट अदर मिसकंडक्ट यदि किसी भी सिविल या क्रिमिनल कोर्ट ने उसको दोषी पाया है एक ऐसे ऑफेंस का विच इज पनिशेबल फॉर अ टर्म एक्सीडिंग सिक्स मंथ जो छह महीने से ज्यादा पीरियड के लिए है तो ये थे हमारे सेकेंड शेड्यूल के अंदर इन टोटल पंद्रह क्लॉज पंद्रह क्लॉजिस तो अब हमने दोनों शेड्यूल्स को कवर अप कर लिया शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चार पार्ट हैं पार्ट वन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सीए इन प्रैक्टिस और इसमें टोटल बारह क्लॉजेज हैं पार्ट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर इन सर्विस और इसके अंदर दो क्लॉजेज हैं पार्ट थ्री फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली और इसके अंदर तीन क्लॉजेज हैं पार्ट फोर अदर मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली और इसके अंदर है दो क्लोजेस सेकेंड शेड्यूल के अंदर इन टोटल तीन पार्ट हैं। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर सीए इन प्रैक्टिस और इसके अंदर दस क्लोजेज हैं पार्ट नंबर टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली और इसके अंदर चार क्लोजेज हैं अदर मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स जनरली और इसके अंदर इन टोटल एक क्लॉज है टोटल नंबर ऑफ क्लोज पंद्रह उन्नीस नाइनटीन प्लस फिफ्टीन अब आपको एक छोटा सा काम करना है वो आपने करना है खुद क्या दस मिनट मैक्सिमम आपको इन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करना है ये क्लॉज किन किन चीजों के हैं दस मिनट लगाइए और एक क्विक रिवीजन करिए अपने आप। जैसे मैंने आपको ये पार्ट वन के दस क्लॉज रिवाइज कराए तीन मिनट में इसी तरह से कल जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें शेड्यूल वन के पार्ट वन के भी बारह मैंने तीन मिनट के अंदर कवर अप किया था तो मैं आपको इन टोटल दस मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज करने के लिए दे रहा हूं जैसे बॉडी को फिट करने के लिए योगा जरूरी है दस दस मिनट की ही बेशक वो एक्सरसाइज हो, तो उसी तरह से इन की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए और एग्जाम टाइम तक की लर्निंग के लिए ये दस दस मिनट की ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज जरूरी होती है और ये एक्सरसाइज मेरे करने से इतना नहीं होगा फायदा जितना आपके खुद के करने से इसका फायदा होगा तो मैंने आपको तरीका बताया है अब आपको इसको रिपीट करना है कोशिश करिएगा मोस्ट ऑफ टॉपिक्स में इस तरह की दस दस मिनट की एक्सरसाइज करने की राइट right? तो इसके साथ इस सेशन को भी यहीं पर करते हैं ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर जिसमें हम प्रोफेशनल एथिक्स के जो मिसलेनियस टॉपिक्स बचे हुए हैं जिसमें प्राइमेरिली मैं आपके साथ काउंसिल गाइडलाइंस की बात करने वाला हूं और इसके अलावा के वाइसी नॉर्म्स की बात करूंगा प्लस फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड थ्रेट्स की बात करने वाला हूं ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं में मेन बुक के अंदर तो बहुत सारे हैं गाइडलाइंस फॉर नेटवर्किंग है गाइडलाइंस फॉर राइट अप है गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट है सेल्फ रेगुलेटरी मेजर्स हैं वो सब चीजें हमने रेगुलर क्लासेस में पढ़ी हुई है उसको रिवीजन में मैं एज सच कवर नहीं कर रहा रिवीजन में मैं सिर्फ वही टॉपिक्स उठा रहा हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगरी ए या कैटेगरी बी के टॉपिक हैं द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइट सो इसके साथ इस सेशन को करते हैं ओवर और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय